लास्ट लेक्चर में हम कवर कर रहे थे फार्माकोग्नोसी में इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग की इवेल्युएशन हमने पढ़ी थी, जिसमें हमने जो टॉपिक कवर किया था वो था माइक्रोस्कोपिक मेथड। माइक्रोस्कोपिक मेथड में हमने अलग अलग पैरामीटर्स स्टडी किए थे, भी साइज, शेप, ठीक है, कलर कैसा होता है, ड्रग का ऑर्डर कैसी होती है, टेस्ट, और ये सब माइक्रोस्कोपिक मेथड में हमने किया था कि स्टोमेटा, ट्राइकोम्स, उसके बारे में किस तरह से हम किस तरह से इवेल्युएशन कर सकते हैं एक क्रूड ड्रग के बारे में। आगे हमने किया था कि जो नेक्स्ट मेथड है वो हमारा है माइक्रोस्कोपी में ही क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी। क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी में क्या होता है, क्वांटिटी बताना। तो इसमें क्या हम क्या चेक कर सकते हैं, कौन कौन से पैरामीटर चेक कर सकते हैं, लेंथ एंड विड्थ, लेंथ और वेट देख सकते हैं, डायमीटर और स्टार्च गेन, डायमीटर ऑफ स्टार्च ग्रेन्स, और क्या देख सकते हैं इसमें, स्टोमेटल नंबर, स्टोमेटल नंबर, नंबर, उसके बाद स्टोमेटल इंडेक्स, ठीक है, एंड देन वेन आइलेट नंबर, ठीक है। तो ये सब हम क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम डिटरमाइन कर सकते हैं, और क्रूड ड्रग की, जिससे हमें पता लग जाएगा जो पर्टिकुलर क्रूड ड्रग हमारे पास है क्या वो, उसको हम जो रेफरेंस है उसमें से चेक करके उसको मैच कर सकते हैं, क्या वो ओरिजिनल क्रूड ड्रग है, कहीं अडल्ट्रेटेड तो नहीं है। इसमें सबसे पहले लेंथ और वेट की बात करें, तो लेंथ और वेट में क्या होता है, ये लेंथ और वेट किसकी देखी जाती है, जो पाउडर ड्रग होती हैं या फिर वो ड्रग्स होती हैं जो कि फाइब्रस होती हैं, ठीक है, कंटेनिंग फाइबर ड्रग्स, इसमें हम कह सकते हैं फाइब्रस ड्रग के केस में, उसकी लेंथ और विड्थ हम डिटरमाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सिनेमन बार्क है, उसकी लेंथ होती है 602। इसमें ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट दे रखा होता है, एक पर्टिकुलर रेंज दे रखी होती है। जैसे सिनेमन बार्क की बात करें, बार्क इसकी जो लेंथ होती है वो 600 to 800 माइक्रोन्स तक होती है, ठीक है, और इसकी जो विड्थ होती है वो 30 to 60 माइक्रोन्स, ठीक है। ये इसकी क्या बता रखी है, भी उनकी लेंथ, हम क्वांटिटेटिव स्टडी में लेंथ देखते हैं फाइब्रस ड्रग के केस में, जिसमें एग्जांपल दिया आपको सिनेमन बार का, 600 to 800 इसकी लेंथ होती है और ये विड्थ होती है, ठीक है। उसके बाद बात करें हम डायमीटर की, डायमीटर ऑफ स्टार्च की, तो इसमें क्या होती है, ये भी एक तरह का स्पेशल करेक्टर है जो किसमें हेल्पफुल होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टार्च ड्रग्स, जिन ड्रग्स में स्टार्च ग्रेन देखना है, जिन ड्रग्स के अंदर, जिन ड्रग्स में स्टार्च होता है उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं इसकी हेल्प से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वीट का एग्जाम्पल है, इसमें वीट है, वीट का डायमीटर होता है 60 to 100 माइक्रोन्स, ठीक है। उसके बाद राइस, राइस का डायमीटर होता है 2 to 10 माइक्रोन्स, ठीक है। तो ये उन ड्रग्स के केस में किया जाता है जिन ड्रग्स में क्या होता है, स्टार्च कंटेंट होता है, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, उनका जो डायमीटर है, जैसे एग्जांपल के तौर पे, फॉर एग्जांपल वीट हो गया, वीट में 60 to 100 माइक्रोन्स इसका साइज होता है, और राइस में 2 to 10 माइक्रोन इसका साइज होता है, ठीक है, इसकी डायमीटर होती है। उसके बाद बात करें हम स्टोमेटल नंबर, स्टोमेटल नंबर आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि स्टोमेटा क्या होते हैं, ठीक है, और ये जो लीव्स होते हैं उसकी जो सरफेस, अपर सरफेस पे या लोअर सरफेस पे जो स्टोमेटा होते हैं उसको कैसे
कैसे डिटेक्ट किया जाता है, इसको देखा जाता है द एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा पर स्क्वायर मिलीमीटर. इट इज डिफाइंड एज एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा पर स्क्वायर मिलीमीटर. ठीक है, उसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्टोमेटा नंबर. मान लो कोई भी लीफ है, उसकी जो सरफेस पे जितने भी स्टोमेटा है, ठीक है, पर एक पर स्क्वायर मीटर में जितने स्टोमेटा प्रेजेंट है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, स्टोमेटा नंबर कहा जाता है. ठीक है, जो भी एपिडर्मिस है लीफ की, उसकी एपिडर्मिस ऑफ द लीफ पे जितने स्टोमेटा प्रेजेंट है पर स्क्वायर मिलीमीटर में, उतने पर्टिकुलर एरिया में उसको स्टोमेटा नंबर कहते हैं. अब ये जो स्टोमेटा नंबर है, ये किस, जैसे कुछ ड्रग्स के केस में एग्जांपल दे रखे हैं कि धतूरा स्टोमेंशियम, ठीक है, हायोसाइमस निगर, इनका जो स्टोमेटा नंबर कितना होता है, अपर एपिडर्मिस. एपिडर्मिस के दो तरह के होते हैं ना, आपको अगर लीफ का सर्फेस बताया जाए, जैसे एक तो इसका ऊपर वाला पार्ट हो गया, ठीक है, और ये अपर एपिडर्मिस है और इसके नीचे वाला पार्ट, दोनों में स्टोमेटा होते हैं. तो इसमें ये बता रखा है, जैसे धतूरा स्टोमेंशियम, धतूरा के केस में, ठीक है, धतूरा के केस में धतूरा स्टोमोनियम, इसका जो स्टोमेटल, जो स्टोमेटल नंबर है वो होता है 87. ठीक है, इस तरह से हायोसाइमस निगर है, उसका जो स्टोमेटा होता है अपर सरफेस पे वो होता है 125. हायोसाइमस निगर, ये होता है 125 अपर एपिडर्मिस में. ठीक है, तो ये होता है स्टोमेटा नंबर. इसका स्टोमेटा नंबर कैलकुलेट करके हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि जो पर्टिकुलर ड्रग है, जो पर्टिकुलर क्रूड ड्रग है, क्या वो सिमिलर है, उसका कोई अडल्ट्रेंट तो नहीं यूज कर रखा. ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है, जो क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपिक पार्ट है, इसमें है स्टोमेटल इंडेक्स. स्टोमेटल इंडेक्स क्या होता है, इट इज अ परसेंटेज विच द नंबर ऑफ स्टोमेटा फॉर्म बाय द टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल्स. ये क्या होती है, परसेंटेज होती है, जो स्टोमेटा होता है ना, ठीक है, कितना स्टोमेटा है बाय टोटल नंबर, कितने एपिडर्मल सेल्स और भी सेल्स होते हैं उनका टोटल और स्टोमेटा नंबर का. अगर इसको हम फॉर्मूला इसे लिखें, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ SI is stomatal index S upon me E plus S into 100. ये परसेंटेज है ना, तो इसलिए 100. अब यहाँ पे S क्या है, SI is the stomatal index, S is the number of stomata per square mm, जो पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितने नंबर ऑफ स्टोमेटा. E क्या है, एपिडर्मल सेल्स पर स्क्वायर इन द सेम यूनिट एरिया के अंदर. ठीक है, तो एस को हम क्या कह सकते हैं, एस आई इज द स्टोमेटल इंडेक्स. ठीक है, एस क्या है, नंबर ऑफ स्टोमेटा पर स्क्वायर पर्टिकुलर यूनिट ऑफ एरिया. तो ये क्या है, स्टोमेटल इंडेक्स.
मेटल इंडेक्स पे ये वैसे तो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए होता है, लेकिन ये आपको क्वेश्चन डायरेक्टली 1 मार्क्स में इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि स्टोमेटल इंडेक्स क्या होता है। तो स्टोमेटल इंडेक्स के बारे में आप बता सकते हो कि स्टोमेटल इंडेक्स क्या होता है। इट इज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ विच द नंबर ऑफ स्टोमेटा कंटेन्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल्स। और ये फॉर्मूला लिख सकते हो, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्या स्टोमेटल नंबर होते हैं, कितने नंबर ऑफ स्टोमेटा पर स्क्वायर एमएम है और कितना ही एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल दें स्टोमेटल नंबर के, स्टोमेटल इंडेक्स के, जैसे एट्रोपा बेलाडोना, ठीक है, एक ड्रग है जिसमें स्टोमेटल इंडेक्स होता है 20.22 23.0। एट्रोपा बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना 20.3 से लेकर इसकी जो रेंज होती है वो 20.2 से लेकर 20.23 इतनी इसकी रेंज होती है एट्रोपा बेलाडोना, जो कि एक क्रूड ड्रग है और इंडियन सेना की 17-20 इंडियन सेना 17-20 ये किसकी वैल्यू है, ये है स्टोमेटल इंडेक्स, क्योंकि ये प्रैक्टिकल पर्पस से ही है, ये माइक्रोस्कोप से स्टडी करके इसकी, फिर उसके बाद इसको इसकी स्टडी करके उसके बाद इसकी कैलकुलेशन की जाती है। अगर उसकी रेंज कैलकुलेशन करने के बाद जो पर्टिकुलर जो भी हमारी ड्रग है जैसे एट्रोपा बेलाडोना है, इंडियन सेना जो क्रूड ड्रग है, उसकी जो रेंज है, ठीक है, जो रेफरेंस ड्रग, जो रेफरेंस रेंज है उसके बीच में आ गई, जैसे इंडियन सेना की 17-20 होती है, ठीक है, और एट्रोपा बेलाडोना की 20 से लेकर 23 तक होती है, उस पर्टिकुलर रेंज में आ रहा है, तो इट मीन्स कन्फर्म हो जाता है कि जो ड्रग है वो पर्टिकुलर क्रूड ड्रग है, वो ओरिजिनल क्रूड ड्रग है। ठीक है, उसके बाद बात करें हम आगे वेन आइलेट नंबर, वेन आइलेट नंबर। अब लीफ के सरफेस पे अलग अलग वेन्स वेन्स होती हैं, ठीक है, अब उन वेन्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वेन आइलेट नंबर की हेल्प से उनको कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, लीव्स के ऊपर जो वेन होती हैं, ठीक है, अब द नंबर ऑफ वेन आइलेट पर स्क्वायर एमएम ऑफ लीव सरफेस, इट इज डिफाइंड, इट इज अ नंबर नंबर ऑफ वेन आइलेट पर स्क्वायर एमएम, पर स्क्वायर एमएम ऑफ लीव सरफेस, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, वेन आइलेट नंबर। ठीक है, तो वेन आइलेट नंबर जो मतलब कि जो लीव का सरफेस है, सरफेस ऑफ लीव में क्या आ जाएगा, मिड रिब और मार्जिन, यानी ये एक लीफ है, ये मिड रिब है और मार्जिन है, ये सरफेस आ गया, इस ये जो पूरा सरफेस है इसके बीच में जितना भी, ठीक है, वेन आइलेट वेन्स है, इस तरह से आपने देखा होगा, इस तरह से लाइट लाइट कलर की, ठीक है, वो हल्के किसी वेन, उसको वेन आइलेट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या होता है, जो पर्टिकुलर स्पीसीज है, ये पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए क्या होता है, कॉन्स्टेंट रहता है। ठीक है, इसमें जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे डिजिटेलिस पुरपुरिया, ठीक है, इसका वेन आइलेट नंबर होता है नियर अबाउट 2 to 5.5, डिजिटेलिस पुरपुरिया। अगर इसके एग्जाम्पल डिजिटेलिस ठीक है, इसका जो वेन आइलेट नंबर होता है वो नियर अबाउट 2 to 5.5, ये इसका वेन आइलेट नंबर होता है। और अगर हम बात करें और भी एग्जांपल की, जैसे केशिया अगस्त
अगस्त की फॉल या इसका 19 to 23। इसका 19 to 23 ये इसका वेव आइलेट नंबर है। ये नियर अबाउट क्या होता है, कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, ये हो गया हमारा वेव आइलेट नंबर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी में ये सब चीजें हम देखते हैं कि लेंथ और विड्थ। ठीक है, किसी भी फाइब्रस ड्रग की लेंथ और विड्थ कैसे हम चेक करते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि क्रूड ड्रग है वो ओरिजिनल है या फिर एडल्टरेटेड है। या फिर हम देखते हैं डायमीटर ऑफ स्टार्च ग्रेन, स्टार्च ग्रेन्स का डायमीटर देखते हैं, जिसमें जैसे वीट है, राइस है, इनकी कितनी अमाउंट, जैसे वीट है इसका डायमीटर कितना होता है 60 to 100 microns तक। ठीक है, राइस में 2 to 10 microns जो इसके एग्जाम्पल है। उसके बाद स्टोमेटा नंबर, भी कितने स्टोमेटा है लीफ के एपिडर्मल सरफेस के ऊपर। ठीक है, उसके सरफेस पे कितने स्टोमेटा है ये भी हमने एग्जाम्पल किया था इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद स्टोमेटल इंडेक्स, स्टोमेटल इंडेक्स क्या होता है, ये होता है नंबर, इट इज अ परसेंटेज, परसेंटेज होती है विच द नंबर ऑफ स्टोमेटा फॉर्म्स, भी कितने नंबर ऑफ स्टोमेटा फॉर्म्स हो रहे हैं टू द टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल, जितना टोटल नंबर है एपिडर्मल सेल का उसके ऊपर कितने नंबर ऑफ स्टोमेटा फॉर्म हो रहे हैं उसकी परसेंटेज को कहा जाता है स्टोमेटल इंडेक्स। इसका फॉर्मूला है एस आई इज इक्वल टू एस अपॉन में ई प्लस एस इंटू 100, जिसमें एस है स्टोमेटल नंबर पर स्क्वायर एमएम पर्टिकुलर एरिया का और ई क्या है एपिडर्मल सेल्स, नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल्स इन द सेम यूनिट एरिया, उसी एरिया में कितने एपिडर्मल, जितना ही जैसे पर्टिकुलर पर स्क्वायर मीटर इतना एरिया है तो उसके अंदर कितने तो स्टोमेटा है और उसी एरिया में कितने एपिडर्मल सेल्स है, उस एरिया का ही स्टोमेटा लेना है, उतने ही स्टोमेटा काउंट करने हैं उस एरिया का, उस उतने ही एरिया में क्या काउंट करने हैं एपिडर्मल सेल्स उसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर। ठीक है, तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, स्टोमेटल इंडेक्स निकाल सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आ जाता है वो है वेन आइलेट नंबर, इसमें एवरेज नंबर ऑफ वेन, ठीक है, इट इज द एवरेज नंबर ऑफ वेन आइलेट पर स्क्वायर एमएम ऑफ द लीफ सरफेस। लीफ सरफेस कौन सा होगा, मिड रिब से लेकर मार्जिन तक ये पूरा सरफेस, इसमें जितने भी वेन्स आ जाती हैं पर स्क्वायर मीटर के अंदर, पर स्क्वायर मीटर पर्टिकुलर एरिया मार्क करके हम इसको माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर सकते हैं। अब ये सारी जो जितनी भी है इनको ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिकली माइक्रोस्कोप के अंदर हम स्टडी करते हैं इसकी कितनी वेन है पर्टिकुलर एरिया, पहले हम उसको स्टेनिंग करते हैं, जो भी हमारा पर्टिकुलर सैंपल है, जो एग्जांपल्स दिए हैं पर्टिकुलर सैंपल की, हम स्टेनिंग करते हैं उसको माइक्रोस्कोप पे फिक्स करते हैं, उसके बाद हम उनको पर्टिकुलर पैरामीटर्स निकाल कर उसकी हम वैल्यू पुट करते हैं इन फॉर्मूलाज में, जिससे हमें उसका जो भी वैल्यू मिलती है उस वैल्यू को हम रेफरेंस वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं, चेक करते हैं, अगर वो रेफरेंस वैल्यू उसकी उस रेंज के बीच में आ, रेफरेंस वैल्यू की रेंज के बीच में जो हमारा कैलकुलेशन आया इट मीन्स क्रूड ड्रग इज ओरिजिनल, ओरिजिनल है उसकी एडल्टरेट नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलें। ठीक है, ये जो क्वेश्चन ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोप में, ये 1 marks में इनकी डेफिनेशन वगैरह पूछी जाती है। फॉर सबसे ज़्यादा स्टोमेटल इंडेक्स, स्टोमेटल नंबर क्या होती है, वेन आइलेट नंबर। ठीक है, बस इसमें आपको ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़नी, आपको ये पता होना चाहिए कि ये होता क्या है, ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसके एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद हम बात करें लाइकोपोडियम स्पोर मेथड, एक और मेथड होता है, जब हम इन मेथड से ठीक है उसके बारे में नहीं डिटेक्ट कर पाते पर्टिकुलर सैंपल के बारे में, तो हम लाइकोपोडियम मेथड यूज करते हैं। ये तो क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी होगी, उसके बाद हम क्या करते हैं लाइकोपोडियम स्पोर मेथड, लाइकोपोडियम स्पोर मेथड। ठीक है, ये मेथड एक एनालिटिकल मेथड है जो कि पाउडर ड्रग की डिटेक्शन के लिए, पाउडर ड्रग की इवैल्यूएशन के लिए यूज होता है। ठीक है,
evaluation of powder drug. ठीक है, पाउडर ड्रग की इवेल्युएशन में यूज होता है. और ये कब यूज होता है? जब बाकी के जितने भी मेथड हैं, जितनी भी टेक्निक्स हैं, वो फेल हो जाती है, तब हम ये लाइकोपोडियम स्पोर मेथड यूज करते हैं. ठीक है, इसमें जो लाइकोपोडियम स्पोर है वो क्या होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक शेप होती है, ठीक है, अपियरेंस होती है और इनका साइज होता है. ठीक है, तो इसमें जो लाइकोपोडियम स्पोर मेथड है उन क्रूड ड्रग्स की डिटेक्शन के लिए, उन सैंपल के लिए यूज होता है. जो क्या होता है, दिस मेथड इज यूज फॉर क्रूड ड्रग्स के लिए यूज होता है, जिनका क्या होता है, पार्टिकल साइज, पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है, वेल डिफाइंड पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्च ग्रेन एंड पोलन ग्रेन, इनको हम काउंट कर सकते हैं. स्टार्च ग्रेन एंड ग्रेन्स, ठीक है, इनको हम काउंट कर सकते हैं. तो जो पार्टिकल्स जिसके काउंट कर सकते हैं उसके लिए ये मेथड यूज होता है. या फिर जिसमें क्या होता है, पर्टिकुलर सिंगल लेयर या टिश्यू हो, ठीक है, सिंगल लेयर और टिश्यूज ऑफ, ठीक है, सिंगल लेयर हो या फिर क्या हो, टिश्यू हो. ठीक है, किसी पर्टिकुलर एरिया में सिंगल लेयर और टिश्यू होते हैं जिसको हम पर्टिकुलरली ट्रेस कर सकें. ठीक है, मैग्निफिकेशन के थ्रू, मैग्नीफाई करना यानी माइक्रोस्कोप से हम उसको डिटेक्ट कर सकें, एक लेयर को या फिर टिश्यू को डिटेक्ट कर सकें, उन केस में होती है. या फिर जिनकी क्या होती है, यूनिफॉर्म थिकनेस होती है, यूनिफॉर्म थिकनेस, यूनिफॉर्म थिकनेस होती है जिन क्रूड ड्रग की. तो ये जो मेथड है लाइकोपोडियम स्पोर मेथड, ये मेथड तब यूज होता है जब बाकी के सारे मेथड फेल हो जाते हैं इवेल्युएशन के, तब इसको यूज किया जाता है. दिस इज एनालिटिकल मेथड यूज फॉर द इवेल्युएशन ऑफ मोस्टली पाउडर ड्रग के केस में यूज होते हैं, जैसे स्टार्च हो गया, पोलन ग्रेन्स हो गया, इनके केस में यूज होता है. ये उन क्रूड ड्रग्स के केस में यूज होता है जिनके पार्टिकल्स काउंटेबल होते हैं, काउंट कर सकते हैं, जैसे स्टार्च ग्रेन है किसी में उसको काउंट कर सकते हैं, पोलन ग्रेन है उसको काउंट कर सकते हैं, या फिर जिसमें पर्टिकुलर एरिया है वो मैग्नीफाई करके हम ट्रेस कर सकते हैं, जैसे किसी की पर्टिकुलर लेयर है, कोई सेल है, उनको मैग्नीफाई कर सकते हैं, जिसकी यूनिफॉर्म थिकनेस है, जिसको ट्रेस करना इजी हो जाता है. ठीक है, तो इसमें एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है और आगे इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, परसेंट प्योरिटी इज इक्वल टू एन इंटू डब्ल्यू इंटू 94,000 × 100 अपॉन में एस इंटू एम इंटू टी. अब इस परसेंट प्योरिटी में एन क्या है, नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर जो कि 25 फील्ड के अंदर है, उतने स्ट्रक्चर है. डब्ल्यू क्या है, वेट है, ठीक है, एम जी के अंदर किसका, लाइकोपोडियम स्पोर का वेट है. ठीक है, और ये जो एवरेज लाइकोपोडियम स्कोर बता रखा है कितना होता है, एवरेज लाइकोपोडियम स्कोर पर एम जी ऑफ पाउडर के अंदर इतना होता है, ये तो लिखना ही है, 100 अपॉन में एस एम पी. एस क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ लाइकोपोडियम स्कोर, ये नंबर हो गया, नंबर ये क्या है, वेट. ठीक है, नंबर ऑफ लाइकोपोडियम स्कोर इन 25 फीट. एम क्या है, यहाँ पे एम वेट है इन एम जी ऑफ सैंपल, सैंपल का वेट है. और यहां पे पी क्या है, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट है जिसमें जो ड्रग है उस कांस्टेंट की वैल्यूज में दे रखी होगी, जैसे जिंजर है, जिंजर का जिंजर की वैल्यू दे रखी होगी क्लोव. ये लाइकोपोडियम स्पोर मोस्टली क्लोव, जिंजर, कार्डमम और नटमैग या फिर अम्बेलीफेरस ड्रग होती है, कोरिएंडर हो गया, फेनल हो गया, उनके केस में इसको स्टडी किया जाता है. ठीक है, इस फॉर्मूला से.
तो इसमें ज्यादा डिटेल में जाना, आपको पता होना चाहिए कि परसेंट प्योरिटी इज द एन इनटू डब्ल्यू इनटू 94,000 जो भी लाइक एवरेज लाइकोस्पोडियम कोर होता है, ठीक है, और ये 100 अपॉन में एस जो कि नंबर ऑफ लाइकोस्पोडियम कोर इन 25 फील्ड, एम है वेट ऑफ द वेट है सैंपल का एमजी में, और ये भी क्या है कॉन्स्टेंट होता है किसका ऑफ सैंपल, ठीक है, जो कि गिवन होता है, ठीक है। एम क्या रहता है नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर, कौन कौन से स्ट्रक्चर है उसके अंदर वो बता रखा है। ये हो गया हमारा क्वांटिटेटिव मेथड। उसके बाद इसमें क्या आ जाते हैं, इसको कैसे डिटेक्ट किया जाता है, आगे आ जाते हैं फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में आ जाता है क्या क्या डिटेक्ट करते हैं, मॉइस्चर कंटेंट क्या है, ठीक है, डेंसिटी क्या है, विस्कोसिटी कितनी है। तो ये हमारा इस लेक्चर में इतना ही, हमने इसमें क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी पढ़ी है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर कुछ फिजिकल मेथड पढ़ेंगे जो कि इवेल्यूशन ऑफ फूड ड्रग में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करेंगे। अभी के लिए आपका इतना।